तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और आज है हमारे पास एक और नया ब्रांड जो कि अपने चैनल के लिए नया है, लेकिन बाकी ये ब्रांड बहुत ही पुराना है। इस ब्रांड का सबसे पहले मैं डिटेल बता दूं, इस ब्रांड का नाम है नॉस्ट्रम। और इसका जो डेनिम होता है वो काफी ज्यादा बढ़िया होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो ये एकदम किलर का जुड़वा भाई है। और इसका प्राइस किलर से बहुत ही ज्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट आपको 2199 से लेकर 2699 तक इसका डेनिम देखने को मिल जाता है। पूरा डिटेल देते हैं सीधा वीडियो। बाकी गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट पीस पे आते हैं जो कि है इनका कलर डेनिम। इसको कलर डेनिम बेसिकली बोला जाता है और इसका प्राइस सबसे कम होता है। इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 1799 रुपए। और ये फिट आपको एंकल फिट देखने को मिल जाता है और इसका कलर इसमें ऑलमोस्ट आपको 5-6 कलर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसको हम लोग ओपन करते हैं सीधा सा। आप अगर इसको सीधा देखते हैं तो समझ में आता है एकदम प्लेन बेसिक सा डेनिम है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा प्रीमियम है। तो आप फैब्रिक का बात करें तो फैब्रिक आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपको प्रीमियम फैब्रिक देखने को मिलता है। बेसिकली इसको नीटेड फैब्रिक बोला जाता है। और अगर आप दूसरे ब्रांड्स में ले लो, मुफ्ती ले लो या फिर आप ले लो किलर जैसे ब्रांड, तो आपको ये ही फैब्रिक आपको 2800-3500 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। बाकी आप स्टिचिंग का क्वालिटी देख सकते हो गाइस, कितना अच्छा स्टिचिंग का क्वालिटी है। और ये जीन्स सिर्फ और सिर्फ 1799 रुपए में। इसको आप एज अ कॉटन जीन्स के रूप में भी यूज कर सकते हो, ऐसे फॉर्मल जीन्स भी यूज कर सकते हो, मतलब हर तरह में आप इसको यूज कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे आपको नॉस्ट्रम जीन्स का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। ये इनका लोगो है, तो इनका लोगो आप पहचान लो सबसे पहले। यहाँ पे कुछ डिटेलिंग वगैरह नॉस्ट्रम का यहाँ पे किया हुआ है। बाकी अंदर में आप देख सकते हो एकदम जो ब्रांड है बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इतने कम प्राइस में आपको सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉस्ट्रम का यहाँ पे टैग वगैरह लगा हुआ है, वॉश करना है, क्या फिट है, क्या सब कुछ डिटेल भाई अंदर तक समझ सकते हो कितना अच्छा ब्रांड है। बाकी अंदर का आप फैब्रिक वगैरह देख सकते हो, किस टाइप का फैब्रिक है, किस टाइप का स्टिचिंग है और किस टाइप का फिनिशिंग है। आप देख सकते हो फिनिशिंग कितना अच्छा है। यहाँ पे पैकेट है और ये पैकेट फटे ना, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो गाइस अब आते हैं हम सीधा नेक्स्ट पीस पे, जो कि आपको देखने को मिल जाता है स्काई ब्लू में। और अगर सबसे पहले अगर हम पीस ओपन करें तो यहाँ पे आपको नॉस्ट्रम का लोगो यहाँ पे पैकेट पे देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना कॉइन पॉकेट है उस पे है। और ये किलर में हर डेनिम पे आता है, मतलब समझ सकते हो कि दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको बटन्स वगैरह पे भी नॉस्ट्रम जीन्स का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रांड्स जो है ये सिंगल स्टिचिंग नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बैठता नहीं है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कितने अच्छे तरह से यहाँ पे सिंगल स्टिचिंग में भी कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है और हल्का हल्का यहाँ पे वॉश किया हुआ है। बाकी अगर हम फैब्रिक का बात कर ले तो वही आपको किलर वाला सेम टू सेम हूबहू फैब्रिक देखने को मिल जाएगा। स्टिचिंग देख सकते हो आपको दोनों साइड में डबल स्टिचिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बात है। एज अ दिस प्राइस पॉइंट इसका प्राइस मैं बताता हूँ, इसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 2299। फिट है भाई बॉन्ड फिट। इसमें हम बात कर ले अगर फिट का, तो इसमें आपको दो फिट देखने को मिल जाता है। एक आता है इनका बॉन्ड फिट जो कि आपको नीचे से एंकल लेंथ रहता है, जो कि एंकल फिट भी बोल सकते हो, और नीचे से स्किनी रहता है और लेंथ जो है वो एंकल रहता है, मतलब 39-40 के अप्रोक्सीमेटली ये रहता है। बाकी अगर हम पीछे का बात कर ले तो बैक में आपको सिंपल सा यहाँ पे बैक पॉकेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको नॉस्ट्रम का यहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है, जो कि ये चीज बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं, जो कि बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं उसमें आते हैं, जैसे कि आप लिवाइस ले लो, आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको अच्छी तरह फिनिशिंग से यहाँ पे नॉस्ट्रम का यहाँ पे लेदर तो नहीं बोल सकते हैं, प्योर लेदर तो नहीं लग रहा है, लेकिन उसी टाइप का कुछ यहाँ पे आपको यूज किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा पीस है, स्टिचिंग वगैरह क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है, वॉशिंग काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आते हैं भाई अपना नेक्स्ट पीस, जो कि भाई एकदम बोल सकते हो बेसिक ये है आपका स्लिम फिट। यहाँ पे आप टैग देख सकते हो, स्लिम फिट का टैग भी लगा हुआ है। इनका टैग भी आप देख लो, हर पीस में थोड़ा एकदम नयापन लाने का ट्राई किया हुआ है, जिसके आप ये देख सकते हो, मतलब हर पीस एकदम अलग है, हर पीस का टैग बहुत ही अलग तरह से एकदम बनाया हुआ है। और ये आप देख सकते हो एकदम सिंपल, जो कि अपने ऑफिस वगैरह यूज के लिए काफी ज्यादा सही पीस है भाई। पीछे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको नॉस्ट्रम का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, छोटा सा ही है लेकिन ये अच्छा लग रहा है भाई। बाकी पैकेट का डिजाइन देख सकते हो, डिटेलिंग देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छे तरह से यहाँ पे आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी फैब्रिक है वही है नीटेड फैब्रिक, और इसमें काफी ज्यादा अच्छा वॉश किया हुआ है, काफी ज्यादा अच्छा साइन आ रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पीस, जो कि है अपना नेवी ब्लू। और नेवी ब्लू पीस आप देख लो, इसका जो फैब्रिक है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे स्टिचिंग कितना छोटा है, मतलब कितने बारीकी से किया हुआ है और एकदम मतलब प्रॉपर किया हुआ है, जो कि आपको बड़े ब्रांड्स में भी आपको इस टाइप का नहीं देखने को मिलता है। ये जनरली फॉर ये ब्रांड यूथ के डेनिम के लिए है, एकदम सीधा बात मैं बोल देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पीस है ये पीस, इसका तो भाई फैब्रिक है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम मतलब छूने पे लगता है एकदम मक्खन, एकदम मक्खन मलाई एकदम फैब्रिक है। और इसका जो वॉशिंग है एकदम भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। आप पीछे आगे दोनों साइड से देख सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा वॉश किया हुआ है इस डेनिम को। और इसमें भी आपको पीछे में भाई बैक साइड में नॉस्ट्रम का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। और इनके हर पीस में आपको पैकेट के पास कुछ ना कुछ डिटेलिंग, कुछ ना कुछ ब्रांडिंग किया हुआ देखने को मिल जाता है, जैसे कि किलर में रहता है। इसका प्राइसिंग भी बहुत ही ज्यादा कम है, 399। वही अगर ये पीस अगर किलर में रहता तो ऑलमोस्ट 3,300 के रेंज में ये पीस होता। और यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, थ्रेड का कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, एकदम मतलब बैलेंस किया हुआ है डेनिम को। थोड़ा सा आपको डिफरेंट यहाँ पे कलर देखने को मिल जाता है। और ये भी पीस काफी ज्यादा लाजवाब है, ऐसा लग रहा है थोड़ा डस्टी कलर है लेकिन पीस भाई लाजवाब है, एक नजर में पसंद आने वाला पीस है। ये भी आपको बॉन्ड फिट में देखने को मिल जाता है। और इसका भी टैग आप देख सकते हो, एकदम अलग तरह का है। और इसका प्राइस मैं बताता हूँ, 2,299 रुपए, जो अपना स्पाइकर वगैरह जो ब्रांड है उस टाइप का ये एकदम बनाया हुआ है। वही अगर इस पीस का अगर हम बात कर ले, इस टाइप का पीस आपको स्पाइकर में भी देखने को मिलता है, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 3,200-3,500 के रेंज में आ जाएगा भाई। लेकिन ये नॉस्ट्रम है और इसका प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया डिटेलिंग, इनके हर पीस में आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो बैक में, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नॉस्ट्रम का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। मतलब भाई पहनने के बाद बोलोगे कि हाँ पीस है, एक मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट पीस पे आए तो नेक्स्ट पीस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे शेड में आपको देखने को मिल जाता है। और इसका वॉशिंग देखो भाई, वॉशिंग देखो कितना अलग तरह का वॉश किया हुआ है। ये जनरली आपको कोई भी ब्रांड में कॉपी नहीं देखने को मिल जाएगा, इनका वॉशिंग एकदम अलग है, एकदम अलग हटके है। और इनका बनाया हुआ डेनिम अगर आप पहन लोगे तो इतना कंफर्टेबल रहने वाला है कि आप दूसरे ब्रांड तो भूल ही जाओगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो नॉस्ट्रम का यहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है, यहाँ पे भी सेम। और मोस्टली इनमें दो तीन तरह के बैक में आता है, एक W लिखा हुआ आता है, एक जो है वो इस टाइप का आता है बैक में जो क्लोज किया हुआ रहता है, और एक तरह का और आता है जो कि थोड़ा सा हमेशा चेंज कर, जैसे इस टाइप का। तो तीन तरह के मेनली इनका जो डेनिम्स के बैक होते हैं वो आते हैं। और ये भी आपको भाई बॉन्ड फिट में देखने को मिल जाता है। और इसका जो फिटिंग होता है वो फिटिंग काफी ज्यादा लाजवाब, ये फिटिंग के लिए अपना जाना जाता है, क्योंकि नीचे आप देखो नैरो कितना ज्यादा है। और मैं साइज बताता हूँ, इसका साइज है आपको 30 में आप लेंथ देख सकते हो, आप नैरो देख सकते हो कितना अच्छा है। जिनको नैरो पहनना होता है वो सबसे पहले नॉस्ट्रम ही जो है वो चूज करते हैं, बाकी दूसरा ब्रांड साइड नॉस्ट्रम जो एक बार पहन लिया भाई दूसरी बार वो दूसरा ब्रांड पहन ही नहीं सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पीस है वो आपको थोड़ा सा अलग शेड में देखने को मिल जाएगा। और इसका टैग देखो, टैग काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसका प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा है। तो इसका प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगा 2,599 रुपए। और एक चीज और, ये ब्रांड जो है वो मुंबई का है, और मुंबई का ब्रांड का तो भाई बात ही अलग होता है, बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। और एक चीज और, जब हमने सर पे नजर डाला तो इनके जिप पे भी आप देख सकते हो YKK का जिप इन्होंने यूज किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। और बाकी आप पीस देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा, कितना लाजवाब लग रहा है भाई। बैग भी आप देख सकते हो, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग डाल दिया है या फिर कुछ भी स्टिचिंग कर दिया है कहीं पे भी स्टिचिंग, जो एक बैलेंस होता है वो बैलेंस बनाए हुए रखा है इस जींस में। उसके बाद ये जो है ये मेरा फेवरेट पीस है एज अ कलर कॉम्बिनेशन, एज अ वॉश आप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पहनने के बाद अच्छा लगता है। और इस टाइप का कलर मुझे बहुत कम ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये कलर और ये वॉशिंग हर ब्रांड से नहीं बन सकता है भाई। और इसका भी प्राइसिंग मैं बताता हूँ, इसका भी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगा 2,499 रुपए, जो कि भाई ज्यादा नहीं है। अगर ब्रांड ले रहे हो तो 2,000-2,500 में तो कोई ब्रांड बहुत ही ऊपर का नहीं आता, लेकिन ये ब्रांड आपको मिल जाएगा। और बैक भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा सिंपल। उसके बाद दो शेड है हमारे पास, एक है ब्लैक शेड जो कि आपको सिंपल, इसका जो फैब्रिक है, इसका जो टेक्सचर है, आप टेक्सचर देख सकते हो, टेक्सचर आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। और वॉशिंग तो भाई अलग है ही, बाकी इसका टैग देख सकते हो कितना अलग तरह का टैग है। इसका भी प्राइसिंग मैं बताता हूँ, 2,299 रुपए। और पीस आप देख लो, दूर से एक बार आप पीस देखो, काफी ज्यादा अच्छा है।
उसके बाद जो अपना लास्ट पीस है वो है ग्रे टोन में, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा आजकल डिमांड में है। और इसमें भी आपको देख सकते हो कितना बड़ा टैग देखने को मिला है, अगर टैग बड़ा है तो प्राइस भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। इसका प्राइस है 2499 रुपये और एकदम किलर जैसा हूबहू बनाया हुआ है। और किलर का प्राइस इसी पीस में ऑलमोस्ट 3,3200 के रेंज में आता है और इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500, मतलब बाकी ब्रांड से और इसका 500 से 600 रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, उससे ज्यादा भी होता है, बट एक बेसिकली हम प्राइस मेंटेन कर रहे हैं तो 500 तो मिनिमम है। बाकी आपको सब चीज वही देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।